हेलो फैमिली, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मजे के शो का सगा, कैसे आप सब लोग। आज दिखा रहा हूँ 3 BHK रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट। पोजीशन इसका दिसंबर, कमिंग दिसंबर में, ठीक है। रेडी टू मूव इन कह लेता हूँ इसको, क्योंकि इससे पहले कोई पोजीशन है नहीं। एंट्रेंस पे मिल जाती है आपको ऐसी डोर जो आके देखनी पड़ेगी आपको, तो आपको पता चलने वाला है कि है कैसी। डिजिटल लॉक के साथ आइए, और ये है आपका एंट्रेंस लॉबी। एंट्रेंस लॉबी पे ना आपको अगर अपने रिश्तेदारों को खुश करने तो बहुत अच्छा सा डेकोरेशन करना पड़ेगा। इसकी साइज तो मैं आपको दे दूंगा, आप देख लेना। अब आ जाते हैं आपके लिविंग और डाइनिंग एरिया में, जिसका डिजाइन है इनोवेशन, एक इनोवेटिव टाइप का डिजाइन है जो आपको देख के आइडिया आएगा। कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बताना। स्पेस देखो, ये है आपकी लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस, और यहाँ पे आपका बार काउंटर। ये सारा अरेंज आपको लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस में कर लिया गया है। ग्लास और आप, चलो फिर कभी मिलते हैं। फिलहाल तो मैं आपको स्क्रीन पे इसके साइज बता दूंगा, इसकी साइज है क्या लिविंग और डाइनिंग की। आप इससे बेटर भी कर सकते हो, या ऐसा भी कर लो तो रिश्तेदार बहुत जलेंगे आपसे। आप जाओ, एंट्री किया था तो आपको मैंने लॉबी दिखाई थी, लॉबी के बाद मैंने आपको दिखाई थी लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस। अब मैं आपको दिखाऊंगा आपका पहला बेडरूम। बेसिकली ये 3 बेडरूम अपार्टमेंट है, तो फर्स्ट बेडरूम में यहाँ पे है इस साइड में। देख लो प्राइवेसी कैसी है। आप ने एंट्री की लिविंग एंड डाइनिंग, एक बेडरूम इस साइड में आ जाएगी। गेस्ट बेडरूम बना लो, पेरेंट्स बेडरूम बना लो, ये आपके ऊपर है कि खरीदने वाले तो आप हो, ठीक है। और ये देखो बड़ी सी बेड, अच्छी खासी बेड। उस साइड में आप देख सकते हैं आपका वार्डरोब है, और आपके पीछे है टेलीविजन। एंड ये देखिए, इसके साथ आपको मिल जाती है मास्टर बालकनी, कह लेता हूं मैं इसको, अटैच बालकनी। आइए, एक गेटेड कम्युनिटी, बहुत अच्छे लोग, बहुत प्रीमियम लोकेशन, और ऑलमोस्ट नियरिंग पोजीशन रेडी टू मूव इन। आपको बता देता हूँ इसकी साइज में, आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, आप देख सकते हो ऊपर से इनक्लोज्ड है, तो प्राइवेसी का प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। ये टफल ग्लास बहुत प्रीमियम दिखेंगे, और ये भी काफी प्रीमियम दिखने वाला है। आपको अपने घर को बहुत सुंदर बनाना, तो ऑलरेडी घर सुंदर है, आ जाओ देखो, पसंद करो और बुक कर लो। अब मैं आपको दिखाता हूं आपका अटैच वॉशरूम, वॉश बेसिन अमेरिकन स्टैंडर्ड, कमोड अमेरिकन स्टैंडर्ड, शावर एरिया ग्रोइंग अप विद ग्लास पार्टीशन, और क्या चाहिए, साइज स्क्रीन पे दे दिया, देख लो। आपको लिविंग एंड डाइनिंग दिखा दिया था, किचन दिखाना पड़ेगा ना, आ जाओ किचन में। भाभी जी को कह देना घर लेना तो ऐसा लेना, और उसके साथ ऐसा किचन मिलना चाहिए, ठीक है। ये देखो एल शेप में आपकी प्लेटफॉर्म है, साइज 11.7x8.6 की साइज है। यहां पे रहेंगे आपके डबल डोर के रेफ्रिजरेटर, सिंगल डोर वाली कतई नहीं नानगर में, ठीक है। और यहां आपके पीछे देखो ये है माइक्रोवेव, आप देख सकते हैं आपके नीचे क्लोज कैबिनेट्स लगाए गए हैं, ऊपर क्लोज कैबिनेट्स लगाए गए हैं। आप इससे बेटर लगा सकते हो, ठीक है, आप इससे बेटर इंटीरियर कर सकते हो। ये जस्ट इंटीरियर का पार्ट है। अब मैं दिखाता हूं आपका अटैच वॉशरूम, ड्राई बालकनी, सॉरी, अब मैं दिखाता हूं आपको ड्राई बालकनी। आ जाइए, तो ये है आपकी ड्राई बालकनी की स्पेस, जहां पे लगाने वाले हो आप वॉशिंग मशीन, क्लॉथ हैंगर, और ये देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए। अगर आपने क्लॉथ हैंगर यहाँ पे लगाया तो बहुत अच्छे तरीके से आपके कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि क्रॉस वेंटिलेशन आएगा आपके कपड़ों पे, ठीक है। और ये क्वालिटी अच्छी है, आप आके चेकआउट करो, आपको पसंद आएगा। आइए,
अब मैं आपको दिखाता हूँ आपका अटैच बालकनी। आपको मैंने लिविंग एंड डाइनिंग दिखाई थी पहले, वापस मैंने आपको फर्स्ट बेडरूम दिखाया, किचन दिखाया, ड्राई बालकनी दिखाई। इसके साथ आपको मिल जा रही है अटैच टेरेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठ के आप आपके फ्रेंड्स गप्पे शप्पे मार के कैसा रहने वाला। और एक अच्छी खासी साइज है, जब मैं साइज की बात करूँ तो 11x8 की साइज है। पीछे आप देख सकते हैं बहुत अच्छी प्रीमियम क्वालिटी की आपको टफन ग्लास मिल रहे हैं, दोनों साइड में लैमिनेटेड है। ये अगेन आपको एक प्रीमियम लिस्ट आने वाली है आपकी प्रोजेक्ट आपके अपार्टमेंट में। आगे अब मैं आपको दिखाता हूँ आपके बेडरूम। अगेन आपको यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो आपको एक वॉश मशीन देखने को मिल जा रही है जो बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। मैंने हमेशा बताया कि अगर आपकी ड्राई बालकनी आपकी डाइनिंग एरिया में जब कोई खाना खा रहे हैं तो उनको अगर हाथ धोना होता है तो वो वॉशरूम में ना जाकर वॉश मशीन बाहर मिल जाता है, तो एक यूजफुल चीज़ें हो जाती है कि वो अपनी चीज़ें वो आप क्लीन कर लें। ठीक है, अब आ जाइए आपको कॉमन वॉशरूम दिखाता हूँ। आप कमोड देख सकते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड। अगेन आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा शावर फिटिंग्स, तो ये लोहे के हैं, ग्लास पार्टीशन के साथ आपको आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये आपको मिलने वाला है। अब आ जाइए अब आपने सेकंड बेडरूम। ये सेकंड बेडरूम है, तो बेसिकली इसको आप बना सकते हो आपके किड्स का बेडरूम, आपके बच्चों का बेडरूम। साइज देख सकते हैं आपके बच्चों 6x6 की बेड की साइज है। इस साइड में देख सकते हैं इंटीरियर का पार्ट से दोनों लगाए गए हैं। इस साइड में आप देख सकते हैं आपके वार्डरोब है, जिसकी यहाँ पे अगर मैं डेप्थ बताऊँ तो काफी अच्छी खासी है। तो मेरे बोलने का पर्पस ये है कि ये आपके सारे रूम के अंदर ही, तो आपका स्पेस कितना होगा। ये जस्ट लगाया इसलिए गया है ताकि आपको स्पेस का आइडिया हो जाए। और आपके इस साइड में मिल जा रही है वेंटिलेशन के लिए विंडोज। अगर मैं इसकी बात करूं, सेफ्टी ग्रिल्स के साथ आपको विंडो आ रही है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपको आके एक बार चेकआउट करना चाहिए अगर आप 3BHK अपार्टमेंट बानेड लोकेशन में रेडी टू मूवी देख रहे हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूं फर्स्ट मास्टर बेडरूम। तो ये है मास्टर बेडरूम। साइज लाइक साइज की बात नहीं करूंगा, बट मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं। ठीक है, कैसा फील आ रहा है। बड़ी सी बेड है, 6x6.5 की बेड है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं टीवी यूनिट्स के लिए चीजें लगाई गई हैं। आप चेयर्स देख सकते हैं, इंटीरियर का पार्ट है दोनों, आप वो भी देख सकते हैं। बट ये जो स्पेस है ना, ये जो चीजें रखी गई है उससे स्पेस ना स्पेस का आइडिया आ जाएगा। वार्डरोब बताऊं तो वार्डरोब की अच्छी खासी स्पेस उसने कवर करके रखा है। ठीक है, तो इस बेडरूम की साइज की बात करूं तो 10x16 की साइज है। और मैं यहां भी बताऊं तो आपको वार्डरोब मिल जाएगी विंडोज फुल लेंथ, ऑलमोस्ट मतलब हाफ यहाँ पे फुल लेंथ आप कह लो इसको, क्योंकि मोर देन हाफ से ज्यादा ही है। तो इसके पीछे आपको मिल रही है सेफ्टी ग्रिल्स। अब मैं आपको दिखाता हूं आपका अटैच वॉशरूम। अटैच वॉशरूम में मैं बताऊं तो पहले आपको मिल जा रही है आपकी वॉश बेसिन, कमोड एंड शावर, अमेरिकन स्टैंडर्ड की वॉश बेसिन, अमेरिकन स्टैंडर्ड की आपकी कमोड एंड ग्रोहे की आपकी शावर फिटिंग्स हैं, तो ग्लास पार्टीशन, और ये फुल ऊपर तक के आपके टाइल्स हैं। ठीक है, इसकी साइज की बात करूं तो 5.3x8 की साइज है। आप पूरे अपार्टमेंट का रिव्यू ले लीजिए, मैं बताऊँ लिविंग स्पेस।
तो ये है आपका 3 BHK अपार्टमेंट रेडी टू मूव इन वाला फ्लैट बानेर लोकेशन में। चाहिए था आपको बानेर लोकेशन में, लाया हूँ आपके लिए बानेर लोकेशन में 3 BHK रेडी टू मूव इन फ्लैट। स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, चाहिए वहां पे जाकर कॉल करिए। इसके बारे में आपको कार्पेट के बारे में जानकारी चाहिए, प्राइस के बारे में जानकारी चाहिए तो वो ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साइट विजिट करना है तो कॉल किसको करोगे, तो जाइए और कॉल करिए। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।